हर चीज़ को एक तरतीब के साथ कोर्स के दौरान कवर करने का मकसद यही होता है कि ये कोर्सेज क्योंकि डिस्टेंट फॉर्मेट पे हैं, तो इसलिए आप जब दोबारा से इसको रिवाइज़ करें तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जैसा कि हम जानते हैं कि रेगुलर क्लासेस में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समझना थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं और उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश और मेहनत ख़ुद से भी करनी पड़ती है। इसी तरह डिस्टेंट मोड की एजुकेशन में भी ये बात ज़ाहिर है कि मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कोर्स को कवर करने के दौरान जो हिदायात दी जाती हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि कोर्स के आखिर में हम वो नतायज हासिल कर सकें जो कि हमें मतलूब हैं। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखें ताकि आप कमांड्स को नोट करें और प्रैक्टिस करके थोड़ा सा चीज़ों को जहनशीन करते हुए आगे चलें, ताकि ऐसा ना हो कि कोर्स तो कम्प्लीट हो जाए, आप प्रोजेक्ट भी कर लें लेकिन कुछ दिन बाद जब आप इस एप्लीकेशन पर काम करने के लिए बैठें तो आप उन चीज़ों को रिकॉल ना कर पाएँ, यानी दोबारा से आपको वो चीज़ें याद ना आएँ जिसकी वजह से आपको काम करने में मुश्किल हो। यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है लेकिन उसमें हम मुख्तर सी बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम क्योंकि स्क्रिप्टिंग में ज़ाहिर हमने नहीं जाना इस कोर्स के दौरान, आपको बताया था कि हम डिज़ाइनर बोर्ड में काम करेंगे, तो उस हवाले से हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो पेजेस बनते हैं वो HTML में आमतौर पर हम काम करते हैं, जैसा कि हम इस कोर्स के दौरान कवर करते हुए देखेंगे। इसके लिए हम इंडेक्स पेज को ओपन करते हैं। अब देखें कि हमारे वर्किंग एरिया में इंडेक्स पेज आया, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ब्लैंक एरिया है, सिर्फ माय होम पेज 3 बार यहाँ लिखा हुआ है और आपको बताया था कि ये होम पेज होता है जिसका नाम index.htm होता है। यहाँ जिक्र हुआ था कि 3 मोड्स हैं हमारे पास इसको देखने के, तो इसमें से हम कोड मोड को जब सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका एक कोड जो है लिखा हुआ आपके सामने आता है। ये HTML हमारी स्क्रिप्टिंग है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हम जानते हैं और अक्सर हमने सुना हुआ है, लेकिन अब समझने की बात यह है कि HTML का जो नया वर्जन है या जिसकी नई जनरेशन है या काम करने का जो नया अंदाज है वो XHTML है। अगरचे एक्स जो है इंग्लिश में आमतौर पे सबका के लिए इस्तेमाल होता है, यानी साबिक जिसकी कोई हैसियत हो उसके साथ हम एक्स लगा देते हैं, जैसे किसी ओहदे के साथ कोई मुंसलिक हो तो एक्स लगा के जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्रेसिडेंट हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ एक्स से मुराद XHTML में सबका HTML का फॉर्मेट नहीं है बल्कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मुराद है, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का नया वर्जन है या उसमें काम करने का लेटेस्ट तरीका है। हम डिज़ाइन मोड में वापस गए, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको नज़र आ रहा है जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम XHTML लिखते हैं, और पहले था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML, अभी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और ये ध्यान में रखें कि अब जो आगे चल के जो फ्यूचर है वो XHTML का ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि हम ये डिज़ाइन के टैब में काम करेंगे, अगर हम कोड में काम कर रहे होते तो हमें वो सारी तब्दीलियाँ जो HTML से XHTML में काम करने के लिए जानना ज़रूरी हैं उनको कवर करना था। और यहाँ आपको बताया कि डिज़ाइनर मोड में काम करने का फ़ायदा है कि जो भी हम यहाँ काम करेंगे कोड का जो टैब है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोड जो है वो खुद से क्रिएट होता जाएगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से हमने ये देखना है कि अगर हमने XHTML में काम करना है और HTML में काम करना है तो इसमें क्या फ़र्क है। इसको हम पेज को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सेव हमने नहीं करना। आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टार्ट पेज है जहाँ से हमने देखा था कि हम किसी भी नई टाइप पे क्लिक करके अपना पेज क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा था कि हमने इस मेन फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल के ऑप्शन से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। आप देख रहे हैं कि अनटाइटल्ड HTML के नाम से आ गया है, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, तो डबल क्लिक किया ये ओपन हो गया। कोड में गए तो ये HTML कोड आपके सामने यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। हमारा जो HTML का कोड है ये ऐसा होना चाहिए कि XHTML की जो सपोर्ट है उसको पूरी मिले और ये XHTML के स्टैंडर्ड पे आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है। ज़ाहिर है कि इसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं उस तरफ हमें जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हमने समझना है कि ये बात हमें Dreamweaver को बतानी पड़ती है कि आपने इसको XHTML के स्टैंडर्ड पर यानी जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है काम करने का उस पर आपने इसको लेके आना है। इसके लिए आपने क्या करना है, एडिट प्रेफरेंसेस न्यू डॉक्यूमेंट, तेज़ी से आ गए हैं, इसको कैंसिल करके दोबारा से करते हैं, एडिट प्रेफरेंसेस कंट्रोल यू शॉर्टकट है, क्लिक किया प्रेफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स आया है, न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ आप देखेंगे कि ये मेक डॉक्यूमेंट XHTML कंप्लाइंट सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन हमने ऑन कर दी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम XHTML के स्टैंडर्ड पे आ गए, यानी हमने अपने डॉक्यूमेंट के कोड को एक स्टेप जो है वो ऊपर ले आए, यानी एक नई जनरेशन के साथ इसको मैच कर दिया, उसके हम स्टैंडर्ड पे ले आए और अब हमें किसी तरह की परेशानी होने का इम्कान नहीं है, जो कि हमें
सिंपल HTML में काम करते हुए इम्कान था कि किसी जगह ऐसा हो कि HTML की सपोर्ट ना हो, सिर्फ XHTML को सपोर्ट किया जाता हो, तो अब हमारा डॉक्यूमेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो XHTML के स्टैंडर्ड पे काम कर सके।